न्यू मेंबर इन द हाउस बेबी। रुक जा, बंद कर। ये पोटी किसने की हुए? और इसी के साथ मेरा एक और बटन टूट चुका है और वो बटन ठीक कर रहे हैं अब, क्योंकि अब जा रहे हैं भाभी जी को देखने, ब्राइडल को देखने, तो फिर हम अपना रिएक्शन देंगे, देखते हैं कि क्या होता है। देखा, ओवर रिएक्शन भी देंगे बीच में, ओ करके। अब देखें, बहुत सही लग रही है। चलो ये नाका लगाया आपने, कितने पैसे लोगे चलान के? हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल प्रबल लिखित ब्रदर्स। गाइस, आज का जो व्लॉग आपने थंबनेल देख ही लिया होगा ना कि दीदी के मैरिज का व्लॉग है, तो सोचो कितना मजेदार व्लॉग होगा। और हमने तो मैरिज एंजॉय कर ही लेनी है, तो आप भी इस व्लॉग के थ्रू मैरिज को एंजॉय करो और लास्ट तक व्लॉग देखना। ओम हरि ओम जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु तन्नः। ठीक है, और रुक जा, नहीं ठीक है। और हम यहाँ पहुँच चुके हैं, पर अब बैंगल सेरेमनी हो चुकी है, ओवर, पर अभी पार्टी बाकी है, क्योंकि अब हम आपको बुलाने वाले हैं दुल्हन से, यानी कि ब्राइड टू बी से। सो गोरी है कलाइयां, आजो मुझे हरी हरी चूड़ियां। और ये अब 2 दिनों की मेहमान यहाँ पे रह गई है, 2 days to go, but धमाल आपको बहुत ज्यादा देखने वाला मिलने वाला है। पर उससे पहले बता दे, डियर दीदी, आप जीजू को जाके कितना तंग करने वाली हो? बहुत खुश हो रहे हैं। जो लड़कियों की ये स्माइल होती है ना, इसी से ये पार करती है। और अब जीजू का तो अभी यहाँ तो खुश है, पर वहाँ जाके दीदू का, जीजू का जीना हराम करने वाली है ना दीदी। अच्छा, आपको बता दें, ये स्पेशल जो टिप हम आपको देने वाले हैं, ये डांस भी बेहद खूबसूरत करती है। कोई सेंसेस बात की? सो अब हम कर रहे हैं गिफ्ट की अनरैपिंग। चलो स्टार्ट करो, ये हार्ट किसका है? बहुत एक्साइटमेंट लग रही है, बहुत खुश हो रहे हो गिफ्ट देख के, कभी देखा नहीं क्या? नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये पर्स है, चलो पर्स पकड़ के दिखाओ अपने हाथ पे। चलो ठीक है, ये भी पर्स है। माय गॉड, वाओ, अच्छा लगा क्या? अच्छा लगा, बहुत अच्छा है। वो पता है, ये तो ना बस प्रेशर में बोलोगे लोग खड़े हैं। ठीक है, ये टॉफी, ये टॉफी किसकी है? कोई सेंसेस बात की? ठीक है, खुद ही नहीं पता ऐसे जूम करके क्यों दिखा रहे थे? यार मैं देख रही हूं, कुछ भी हो सकता है। कुछ तो है, लिपस्टिक है ना, इसी के लिए वो जी। ये होता है जब ज्यादा गिफ्ट आ जाए ना, तेरा एक्साइटमेंट ज्यादा हो जाती है। यही पता क्या है, ये बिंदिया चमकेगी वाली। अच्छा, गाना गा दो फिर। ये सीधा तो दीदी गए थक और वो फोटो खिंचवा रहे हैं, तो अभी हम खुद ही ओपनिंग कर रहे हैं। डिनर सेट है, डिनर सेट तैयार है, मैं खोलूंगा ये रिबन ना, हम निकाल लेते हैं। स्कैम था गाइस,
जो कह रहे थे ना दीदी थक गए हैं, दीदी थके नहीं है, ये थकाया गया है दीदी को। गाइस ये ऐसे अगर रिबन लगे हो ना इसे उतार लेना चाहिए, अगली में काम आता है, अगली बार में काम आएगा ये। ये होता है कंजूसी। ये क्या है गाइस? आलीशान डिनर सेट है, डिनर सेट दिखा रहे हैं। ये देखो, देखना चाहते हैं। सो गाइस, न्यू डे और न्यू सेरेमनी। आज मेहंदी सेरेमनी है दीदी की, और तू बजा ले भाई, नहीं मेरे बोल ले तो दे, तो बजा ले अब। नहीं बजाने कोई सेंस है इस बात की? बजा ले डीजे वाले बाबू, गाना बजा बजा। नहीं बजाऊंगा, देखो पैसा देगा तू, गाना बजा, गाना बजा, बहुत दिन होना चाहिए गाना। या हा या ला हबीबी, ये कौन सा गाना था? ये ढोलकी सी रे। गाना गा के सुना दे आज, सुनना चाहेंगे जरा गाना। मेहंदी रस्म आज गाना क्यों? क्यों मेहंदी के साथ वो मेहंदी वाला गाना गा दे। कौन सा? नहीं ये हम यहाँ पे क्या करने आए? चल गा दे। डोली सजा के रखना अगे भैया। अरे भैया आपने कहाँ से कहाँ से सीखी मेहंदी लगानी? पंजाब से सीखे। पंजाब से? पंजाब में पैसा कमा रहे हो। आपका कोई गुरु होगा? गुरु तो है, ये गुरु है आपके? हाँ जी गुरु वही है। यही गुरु है? तो भैया आपने कहाँ से सीखी? हाथ दिखा था अपना, गुरु से पहले लगा के बैठ गई, ये कैसे हो गया? देखा गुरु की वैसी थी, बस स्माइल कर रहा है, पता आगे से कंपनी लेके आएगा भैया। बहुत लगन से मेहंदी लगा रहे हैं, देखो राधे राधे दिखा बीच में, मेहंदी वाले चिप काटते गुरु जी ने। ये पंजाबी आपको समझ आ जाएगी कैसे किसी को। राधे श्याम जी के भगत है हमारे दीदी, देखो उन्होंने माथे पे भी राधे श्याम लिखवाया। नहीं लिखवाया आज लगाई लिए मेहंदी, दिखाना क्या लिखवाया मेहंदी पे? दुल्हन की बहन। ओके दुल्हन ने भरा देखो था। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता। अच्छा तो आपने भी कहाँ पे लिखाई आपने? नहीं लिखवाया मैंने, स्कूल जाने। शादी तो देखो एक बार ही होनी है, स्कूल तो रोज जाना होता है। आप भी लिखवाओ, आप भी लिखवाओ। की लग गया तू? मैं मामा। तो क्यों है तेरा? वो तेरा क्यों है? पांजा है भतीजा? पांजा यार, चाचा चाचा भतीजा होता है। रोके दिखाओ, रोके दिखाओ। चलो कोई सेंस है इस बात की? क्या हुई गर्म है? हाँ जी मम्मी। अच्छा डायपर चेंज करना है मुझे, अब फील हुआ बारी बारी को लग रहा था। ये पोटी किसने की हुए? अरे छी छी छी, उसको फैला रहे अच्छे से। शाबाश, क्या मेहंदी के हाथों में ये क्या कर दिया? देखो कितना प्यारा भाई है मेरा, मेरे इंडो वेस्टर्न के बटन उठ गए थे तो ये बटन उसको सील रहा है। भैया तुम्हें आता है यार? मेरे को ही नहीं आता ये काम। होशियार हो, तैयार हो गया, बॉडी बन गई है। हाँ हाँ बॉडी गार्ड। अरे बॉडी नहीं हो, ट्रक की बॉडी लगा लो भाई। तुम्हारा बाइसेप, ओए ट्राइसेप दिखाओ भाई, ट्राइसेप इधर से। ओए हो शोल्डर दिखाओ, शोल्डर इधर, ई शोल्डर। ओए हो उस निगाह बन रहे हैं अभी। देखो भाई पता नहीं क्या डलवा दिया इन्होंने मेरे को, ये नीचे से टाइट है ऊपर से इतना खुला खुला लग रहा है। मेरे को ऐसे लग रहा है कि पंडित मैं ही हूँ और शादी में जाके लावा फेरे मैंने करवाने हैं। अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। और इसी के साथ मेरा एक और बटन टूट चुका है और वो बटन ठीक कर रहे हैं, क्योंकि मेरी उंगली पे ना एक हल्की सी ना सुई लगी थी तो मैंने छोड़ दिया। मुझे लगता है इन्होंने बस ऐसे ना लगा के भेज दिया था, जो सा बटन पकड़ते आदमी रह जाता है। भाई बटन को ढूंढ ले भाई, मेरे पास एक आइडिया है। पंजाबी में ना एक कहावत है, अगर कोई चीज़ घूम जाए ना तो उसको कैसे बोलना है? किथे मर गया बटन पता नहीं, ये मिलता ही नहीं है सानू।
तो यहाँ पे ढूंढ, अब ढूंढ दे कि यही ही होगा, आसपास में आ जाएगा। अरे यहाँ पे तेरे बटन लगा रहा था, ये रहा। तो दोस्तों आपने देखा, अगर कोई चीज गुम जाए और आपको मिल नहीं रही है तो पंजाबी में बोलना, अगर चाहे समझ लो आपकी चप्पल गुम जाए या आपकी सुई गुम जाए, अगर आपका बटन भी गुम जाए तो बोलना है बस, जो चीज गुमी है उसका नाम लेना, जैसे बटन बटन गुम गया तो बोलना है बटन कितने मर गया है, पता नहीं सामने मिलता नहीं गया, 5 मिनट के अंदर अंदर आपके पास बटन। असंभव असंभव। आ चुके हैं पैलेस में तो, और अब पूरा रेडी है, देखो बिल्कुल रेडी लग रहे हैं ना, अच्छे कैसी लोग आ रही है ना, बिल्कुल ऐसे। तो गाइस अगर आप एक्साइटेड हो बाबू जी को देखने के लिए, मतलब दुल्हन को देखने के लिए, तो मेरे साथ आओ, मैं आपको दुल्हन दिखाता हूँ। आओ दिखाते हैं हम अपने रूम में। हेलो गाइस, भेजियो ना मेरे को, ट्रेगी से मैं खुलवाएंगी, मगर जुड़ो ना मैं पैकिंग के लिए। ये होता है दुल्हन के कमरे का हाल, ऐसे सब आते हैं। अभी रेडी है, इसको कुछ लेना देना नहीं है, कहता मैं क्या लेना, अपना दूध भी होगा भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया मतलब कुछ। तो क्या हो, हैंडसम और क्यूट, ये देखो भूख भूखे भूखे, खा लो नीचे जाके नहीं मिलेगा ना, पता नीचे जाके पहले उनको तो खिला दो जो भूखे बैठेंगे सारा दिन, उसकी लिपस्टिक खराब हो जाएगी। वैसे कौन सुंदर लग रहा है तीनों में से, कमेंट में बताना ठीक है। ब्राइड 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 तो लग रही है, मतलब आप तीनों में बोल रहा हूँ, ब्राइड तो छोड़ दो वो तो है ही है, इन तीनों में से कौन सुंदर लग रहा है कमेंट में बताना। इनका नाम है शैलजा दीदी, उनका नाम है सोवे दीदी, उसका नाम तो पता ही आपको ठीक है, प्रबल शर्मा ठीक है। तो आप कलर में बता देना कि कौन सा कलर वाले जो है अच्छे लग रहे हैं। दीदी क्या खा रहे हो, शाबाश दीदी। सुनो सुनो सुनो, एक बोली सुनाइए आज, पर हैगी पंजाबी जा, बोलो बोलो बोलो, सुना दिए फिर सुनाओ सुनाओ। बारी वर्षी खटन गया सी खट के लिआंदा पिज़्ज़ा, बावी दी नूं जान दो, फिर देख के रोंदा साडा जीजा। तो गाइस अब ना हमें गेम खेलते हैं, देखते हैं जो भी लड़के यहाँ पे तैयार हो रही है उनसे पूछते हैं, आप बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हो, उनका रिएक्शन देखते हैं कैसा लग रहा है। तो देखते हैं कि लड़कियां जो कैसे रिएक्ट करती हैं, गुस्से में आती है सिर्फ कैसी और कोई बात नहीं। जब जा रहे हैं हम, पेड़ मारूंगी मैं, क्या करता, ये प्रैंक कर रहे हैं, पता है पहले देखा कैसे खींचे, जैसे पता लगा जैसे कैमरा देख लिया, गाइस बताना ये एक्टिंग थी कि चले थे, तो रात आ चुकी है, बस बाहर ही है और हम बाहर जा रहे हैं अभी। अरे नहीं नहीं, ये नाका लगाया आपने, कितने पैसे लोगे चलान के, कितने कितने पैसे सोचे आपने, तो सोचो ना इसमें नमक डाला, देखते क्या करते हैं। ये क्यों बता दिया? अरे अभी हमें तो पता है ना, उनको नहीं पता ना। 2 लाख कितने लेने हैं? ब्लैंक चेक, ब्लैंक चेक, 5200। ये फोरन से आए जो है ना दाहिनी तरफ बैठी है, कारण क्या है बताइए। तो इन्होंने आपको आपका उत्तर दिया है कि अखिल जी अग्नि से भी फेरे होते हैं, ब्राह्मण के मंत्रों से भी, सब पे माता पिता ने सब कुछ कर दिया, परंतु मेरी 7 शर्तें हैं। हाँ, 7 शर्त को अगर आप मंजूर कर दो तो मैं आपकी बामंग में आ जाऊँ, ठीक है। 7 वचन
अब सात वचन में पहला वचन है, संस्कृत नहीं पढ़ूंगा केवल समझाऊंगा, पहला वचन है घर में जो मीवा मिष्ठान धन धान्य, जब आप लाओगे तो आप मुझे ही आपको स्वीकारना होगा, यानी मुझे देना है मेरे को, इसको देना। हाँ, क्योंकि आपके घर में आए हुए अतिथि का सत्कार तभी हो सकता है जब आपके द्वारा दी गई मिष्ठान आदि आप दे चुके, मैं कहाँ से लाऊंगी, आपने देना है और मैं सब करूंगी, परंतु आपको मेरा धर्म याद रहे। धर्म क्या है कि आप जो भी मेवा मिष्ठान धन धान्य जितनी भी चीज़ें हैं वह मुझे जो है समर्पण करना पड़ेगा, क्या तथास्तु, पहला वचन। दूसरा वचन है आप जो हैं यात्रा करोगे तो अकेले नहीं जाओगे, साथ में हमें भी ले जाना है। दूसरी बात, बिना धर्मिक बिना पत्नी का धर्म नहीं होता, अब तक आपका पुण्य नहीं लगा, आप लगा पर आधा लगा, पर अब आपको पूर्ण पुण्य तभी मिलेगा जब पत्नी के साथ यज्ञ करोगे, दान करोगे, धर्म करोगे, विवाह कन्यादान करोगे, बहन का कन्यादान हो गया, बंधु बांधवों का कन्यादान हो गया, मंदिर में जाना है, माथा टेकना है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है, बड़ों बुजुर्ग जनों का आशीर्वाद लेना है, तो आपको मेरे को अपने साथ ले जाना होगा, परंतु वहाँ पर भी आपको जो है मुझे टोकना नहीं होगा, प्यार से तो कह करके तफास्तु कीजिए। ये दोनों के लिए है ना, अकेले नहीं चला नहीं, अभी अभी आपकी बारी है, फिर उनकी बारी आएगी, आप एक, एक तरफ नहीं है, आप सफाई करो, कोई गलत नहीं है, कीट पतंग मर जाते हैं पाप हो जाते हैं, तो उसका आधा आधा। अब पुरुष का क्यों नहीं लेती है कि पुरुष का न जाने दोस्तों के साथ क्या करके आए, पता तोड़ी है भाई, इसलिए उसका पाप का भागी मैं नहीं बनना चाहती हूँ, है तो सही ना। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की। अच्छा जी, अब जो है फाइनली ये था हमारा मैरिज का ब्लॉग। तो हमने मैरिज को बहुत ही अच्छे से एंजॉय किया, लगता आपने भी एंजॉय किया होगा ब्लॉग देख के। तो अगर आपने भी एंजॉय किया वीडियो को तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिए और हमारे बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी आ जाए। सो गाइस, अगली वीडियो का टाइटल जो है वो है फूड कलर चैलेंज, तो इसलिए बोल रहा हूँ कि बेल आइकन को दबा दो कि अगर जब वीडियो पोस्ट होगी तो आपको पता चल जाएगा कि वीडियो आ चुकी है और आप वीडियो को देख चुके हो और एंजॉय कर सको।